एक लड़की थी जिससे अट्रैक्शन थी या मोहब्बत कह सकते हैं या नादानी कह सकते हैं, बचपन था। उसने मुझे कहा कि इसको तो सेंस नहीं है किसी चीज़ को, लेकिन मैं बड़े पॉजिटिव वे में आया और बड़ा पॉजिटिव वे में काम किया, लिमिटेड काम किया और बहुत अच्छा काम किया। कौन कौन से एक्टर्स के साथ आप काम कर चुके हैं, डायरेक्शन दे चुके हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी? मुतिल खान साहब, आतिफ असलम, बिलाल सईद, ये हमारे नामवर आर्टिस्ट हैं। मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट 70-80% आर्टिस्ट के साथ काम किया पाकिस्तान के। इंडियन आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया, उसमें शहनाज़ गिल, शहबाज़ विदेशा, सिमरन कौर और भी मेरे काफ़ी पाइपलाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूं अली नवाब। नाज़रीन, मोहब्बत में नाकामी के बाद अक्सर लोग नशों की तरफ निकल पड़ते हैं, अपनी फैमिली को अजियत देते हैं, उल्टे कामों में इतने मगन हो जाते हैं कि एक दिन गुम हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुस्नाम शब्बीर, जिन्होंने मोहब्बत की, उसके बाद नाकामी भी हुई और आज ये पाकिस्तान के एक कामयाब डायरेक्टर हैं जो पाकिस्तान में बैठ के इंडिया के प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये सब कैसे, आइए जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सुनाम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम सर, सब करम। आपने मोहब्बत से ही आगाज़ कर दिया। मोहब्बत तो इंसान को होती है, हर किसी से होती है और मोहब्बत होनी भी चाहिए। मोहब्बत में इंसान बड़ा कुछ सीखता है, बड़ा कुछ खोता है, कुछ खोने के बाद ही कुछ कामयाबियाँ आपको मिलती हैं। आपने कुछ खास मोहब्बत से सीखा है। सुनाम भाई, कैसे नाकामी कैसे हुई मोहब्बत? देखिए, अगर नाकामी नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कामयाबी मिलती है। किसी भी कामयाबी के पीछे एक नाकामी होती है तो ही आप कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं, फिर ही आपको कामयाबी की कदर होती है। तो लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई बड़ी डिफरेंट वे में कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। माशा, तो मेरा जो स्कोप था, मुझे इंजीनियरिंग की फील्ड में मेरा रुझान नहीं था, मेरा दिल नहीं लगा उसकी तरफ। उसके अलावा एक लड़की थी जिससे अट्रैक्शन थी या मोहब्बत कह सकते हैं या नादानी कह सकते हैं, बचपन था, तो काफ़ी देर मेरा रिलेशन रहा उसके साथ। तो एट दी एंड तब मैं अनपढ़ था, उसने मुझे कहा कि ये ना पेंडू, जिसको आप कह सकते हैं आसान लफ्ज़ों में कि पेंडू है, गुवार है, इसको तो सेंस नहीं है किसी चीज़ की, वो गांव शहर की रहने वाली, मैं गांव का लड़का। तो बड़ा अजीब, उसने मुझे कहा जी मैं तो मॉडलिंग में आ गया, मैं बहुत फेमस मॉडल बन रही हूँ, तो तुम तो मेरे लेवल पे नहीं हो। अच्छा सुनाम भाई, सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, ये बताइएगा कि जब आपकी उसके साथ अटैचमेंट हुई, सेटिंग हुई साफ लफ्ज़ों में कहें, तो तब वो मॉडल थी? नहीं, उससे पहले वो मॉडल नहीं थी, एक हमारी सिर्फ अच्छी दोस्ती थी, अच्छी फ्रेंडशिप थी। बट मुझे था कि अगर हमारी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप, अच्छी बॉन्डिंग है तो हमें इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, मगर तब मैं पढ़ा था, स्टडी एज में था। ये बताएं कि उसने आपको छोड़ा क्यों और कैसे? नहीं छोड़ा, सिर्फ रीज़न यही मैंने आपको बताया कि मैं एक गाँव का रहने वाला था, ठीक है, शहर में आ रहा, स्टडी कर रहा था, पढ़ा था, मुझे मेरी नानों ने पाला, उन्होंने मेरी परवरिश की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की है। तो मेरे अंदर एक ना लगन है, मुझे अगर कोई टारगेट मिलता है, मेरी कोशिश होती है मैं उस टारगेट को अचीव करूं। तो जब मैं इस वे में आया, इस फील्ड में आया, तो हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होते हैं। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि ये फील्ड अच्छी नहीं है, कि उन्होंने कहा बुरा, मगर मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती, आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने उसको किस वे में लेकर चलना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े पॉजिटिव वे में आया और बड़ा पॉजिटिव वे में काम किया, लिमिटेड काम किया और बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तान के सारे आर्टिस्ट जैसे रहा, शफकत नसीबो, बिलासी, सब के साथ काम किया, ठीक है। उसके अलावा इंडियन के फेमस आर्टिस्ट शहनाज़ गिल, शहबाज़ विदेशा, सिमरन कौर, ठीक है, उन सब के साथ काम किया कि बहुत अच्छे। मैं इसके बारे में जानता हूँ, ज़रूर पूछूंगा आपसे। ज़रा ये बताइएगा कि जब उन्होंने छोड़ा आपको, उसके बाद आप ज़रा सा डगमगाए नहीं, कैसे आपने एक अच्छा फैसला कर लिया? टाइम आपका अजियत का गुजरता, थोड़ा सा परेशानी का गुजरता, मगर उस वही टाइम होता आपके सर्वाइवल का, पॉजिटिव रहने का। मैं बड़ा पॉजिटिव रहा, मैंने अपने आप को सर्वाइव किया, मैंने एक काम सीखा, इसकी तरफ आया। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत लॉस भी दिए, काफ़ी, यानी लाखों नहीं, करोड़ों में कह सकते हैं कि लॉस दिए, और इतनी कम एज में मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग भी की अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैंने लॉस उससे भी ज़्यादा किया, मगर मैंने हमेशा अपने लॉस से सीखा, ना कि मैं डगमगाया, और मुझे वही लॉसेस आगे बढ़ने का हिम्मत देते रहे। तो मेरी यही कोशिश रही कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ, अच्छे से अच्छा कॉन्टेंट दूँ और अच्छे से अच्छा बढ़ूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं एक स्टेज पर पहुँचा, मेरा दोबारा उससे कभी सामना हुआ तो वो मेरे पास एज ए मॉडल काम के लिए आई थी, और मैं वही लड़की, हाँ वही लड़की, तो मैं एज ए डायरेक्टर कह रहा था। तो अभी तो फिलहाल तो वो फील्ड वगैरह भी छोड़ गई, तो मेरा अभी उसका छोड़ना ही बनता था। नहीं नहीं, हर किसी की अपनी एक लाइफ होती है, तो मैंने उसकी लाइफ को उसके हाल पे छोड़ दिया ना। मैं अगर मेरे एक तरह से वो मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी ही लेकर आई, कि अगर वो ना होती
मगर मेरा ये मानना है कि आपकी जो मेहनत जो लगन है ना वो ज़ाया नहीं जाती, आप किसी भी फील्ड में करते हैं तो आप कामयाब होते हैं। कौन कौन से एक्टर्स के साथ आप काम कर चुके हैं, डायरेक्शन दे चुके हैं, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी? मुझे तकरीबन 8 से 10 साल होने वाले हैं कि मैं इतनी कम एज में मैं इस फील्ड में आया। मैंने एज ए ऑर्गेनाइज़र काफ़ी इवेंट्स किए, ठीक है, एज ए ऑर्गेनाइज़र मैं काफ़ी आर्टिस्टों को हायर कर चुका हूँ सिंगिंग के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। उसके अलावा एज ए डायरेक्टर मैंने काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ किए, एज असिस्टेंट डायरेक्टर काफ़ी काम किया। पाकिस्तान के नामवर आर्टिस्ट मेरा नहीं ख्याल खान साहब से बड़ा कोई आर्टिस्ट होगा, हज़रत अली खान साहब, आतिफ असलम, बिलाल सईद, ये हमारे नामवर आर्टिस्ट हैं। मैंने तकरीबन आलमोस्ट 70-80% आर्टिस्ट के साथ काम किया पाकिस्तान के। इसी तरह आप इंडियन आर्टिस्ट में आ जाएँ तो इंडियन आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया, उसमें शहनाज़ गिल, शहबाज़ विदेशा, सिमरन कौर, और भी मेरे काफ़ी पाइपलाइन पे हैं। हमारी अपनी एक कंपनी है पल्स फिल्म प्रोडक्शन, मेरे एक दोस्त हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन से मैं करता हूँ। तो दुबई के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उस कंपनी से करते हैं, और यहाँ पर मेरी अपनी कंपनी रजिस्टर्ड है फ्यूजन प्रोडक्शन के नाम से। और अब मैं जितने नए लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, मैं उनको भी सपोर्ट करता हूँ। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि मुझे पता है कि मैं जिस जोन से गुजरा हूँ कि लोग भी उसी जोन से गुजर रहे हैं। राहत फ़तेह अली खान साहब के साथ आपने कौन सा वीडियो किया? खान साहब के साथ मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया है बहुत अच्छा, और वो मेरा एज ए डायरेक्टर किया, और इंडिया में वो सिलेक्ट हुआ है मूवी के लिए, और ये मेरे लिए बड़ी अच्छी अचीवमेंट है कि मेरा पहला सॉन्ग उनके साथ हुआ बड़ा। वो मुझे अभी भी याद है जब मैं खान साहब का शूट कर रहा था, सारा सेट रेडी हो गया तो उन्होंने मुझे कहा कि डायरेक्टर कौन है, वो देख रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि खान साहब मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा एक्सपोर्ट कर सकूँ, और उन्होंने भी इन रिटर्न मुझे बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया कि आप बताएं मैं इस तरह बैठा हूँ क्या मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। तो इस तरह की चीज़ें आपको जो है बड़ी पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। उसके अलावा इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ मेरा फिल्म का एक प्रोजेक्ट प्लान हुआ है, वो चारों ठाकुर साहब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। अगर इस फिल्म में मुझे किसी ने अप्रिशिएट किया तो इफ्तिखार ठाकुर साहब हैं जिन्होंने मेरा हौसला बुलंद किया। जी हुस्नान भैया, जाते जाते सिमरन को और हमारी देखने वाली ऑडियंस को मैसेज दें। अच्छा, सबको यही मैसेज है कि आप अच्छा काम करें, अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करें, किसी को भी कमतर ना समझें, आगे बढ़ें। वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, आप अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ते जाएं। हर इंसान का टाइम आता है, और अपने टाइम को कैप्चर करें अच्छे से, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें, और कभी हिम्मत ना हारें, और इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया है हुस्नान भाई ने, और जाते जाते मेरा भी अब हक बनता है कि मैं भी आपको एक मैसेज दूँ। और मेरा मैसेज यही है कि आप अगर किसी चीज़ में, किसी काम में नाकाम हो जाते हैं तो अब ये ना समझें कि अब आप आगे कुछ नहीं कर सकते, अपनी मेहनत और कोशिश जारी रखें, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कोई आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से ना हार जाएं। तो जो भी करें दिल से करें और करते रहें, एक ना एक दिन कामयाबी हमारा कदम चूमेगी। इसी के साथ अली ने आपको दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने की बात।